ठुकरे अंकल, ये देखो इतनी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली गाइस ये मेरी आखिरी राइड रहेगी, इसके बाद मैं राइड नहीं करूँगा अपनी बाइक को। आपके लिए एक सरप्राइज भी है। कार का हाल देख लो क्या हो गया है गाइस। शिट मैन, फोबिया भी एक्सीडेंट हुआ है। देखो साइकिल चला रहा है। बस अमो को मिस किया आज, यहाँ पर अमो रहती तो और भी मजा आता, बट ठीक है कोई बात नहीं। भाई रियली जब आप R15 को मतलब चलाते हो ना तो ऐसे फील आता है कि आप सुपर बाइक चला रहे हो, क्योंकि इसका जो मतलब सीटिंग पोजीशन ही ना यार एकदम अग्रेसिव, एकदम स्पोर्ट्स वाला है। तो जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना उसका पूरा फील आता है। एक्चुअली में है तो स्पोर्ट्स बाइक है, बट लोअर सीजन स्पोर्ट्स बाइक है, मतलब एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है, ये आपको पता ही रहेगा। डर एक ही चीज़ का लग रहा है कि मेरे बाइक की चेन थोड़ी ढीली है। गाइस मैंने अभी निकलते समय ना चेन लूप मार लिया था अपने बाइक पे ताकि थोड़ा स्मूथ रहे करके गाड़ी। जब चेन स्प्रे मारते हो ना आप बाइक पर तो ऐसा लगता है कि भाई आप जस्ट सर्विस करके लाए हो गाड़ी को, इतनी स्मूथ चलने लग जाती है सीधा। आपको भी एक टिप बताऊंगा भाई लोग, आप भी वही फॉलो करना। मैं कभी भी है ना अपना जो गाड़ी का चेन लूप है वो सर्विसिंग के टाइम नहीं करा था, मतलब जब गाड़ी सर्विस होती है ना उस टाइम पे वो लोग चेन लूप करते हैं और उस टाइम पे 250-300 रुपये चार्ज लगा देते हैं बाइक का सीधे, और बस थोड़ा सा नकली कंपनी का उनके पास वो चेन स्प्रे पड़ा रहता है वो मार देते हैं। बस उससे अच्छा मैं क्या करता ना गाइस, हमेशा अपनी जो बाइक है उस पर कभी चेन स्प्रे उनसे नहीं मरवाता, मतलब चेन लूप उनसे नहीं कराता। घर पे आता हूँ मस्त से वही 250-300 रुपये का मोटुल का चेन लूप आता है वो खरीद लेता हूँ और वो चेन लूप मार के, वो चेन लूप में मेरा आराम से 5-6 बार चल ही जाता है काम, मतलब 5-6 राइड्स आराम से हो जाती है मेरी। अभी काफ़ी लंबी राइड है, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर जाना है और 35 किलोमीटर आना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड है तो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा गाइस। अभी सबसे पहले हमें एक फ्यूल स्टॉप लेना पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी में फ्यूल उतना ज़्यादा नहीं है, गाड़ी चली जाएगी पर रिटर्न नहीं आएगी, तो सबसे पहले फ्यूल डाला लेते हैं। और ये देखो इसका हाथ देखो और मस्ती भी देखो कितनी है इसमें, मानता नहीं है उसको। उसके पापा ने भी बोला कि भाई पीछे बैठ के चला जा करके, तो बोलते नहीं मुझे गाड़ी चलानी है। तो राइडर लोग होते हैं ना वो लोग का ऐसे कीड़ा रहता है, वो लोग शांत नहीं बैठते। सबसे ज़्यादा मज़ा बाइक चलाने में आता है, मतलब ये अलग ही वाइब रहती है। ठुकरे अंकल, इनको इतना नहीं समझता कि भाई एटलीस्ट साइड में रुक के थूके करके। ये देखो गाइस जनरेटर, इसको मैं जनरेटर क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं बाद में बताऊँगा, अभी फिलहाल रिफ्यूलिंग कराते। 111 झाला तो भाई लोग हमने फर्स्ट ब्रेक लिया था, यहाँ पर कोई टोल नाका है उसके पास, और वैसे ये पार्सल मेरे पास 2-3 दिनों से पड़ा है, मैं ओपन किया ही नहीं हूँ और आपको बताना भूल गया। एक्चुअली मैंने ये एड्रेस छुपाने के लिए निकाला था, आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पता रहेगा। एक ट्रेक हुआ था, वो ट्रैक पर मैंने अपने लेंस का गार्ड निकाल दिया था क्योंकि वो क्रैक था और उस पर फ्लेयर बन रहा था, तो आप लोग ने बोला था फ्लेयर के वैसे हटा दो वो करके, तो उसके लिए मैंने गार्ड मंगाया था अमेजोन से और निकाला ही नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी जब जाके मैंने बैग में देखा पानी पीने के लिए, खोला बैग तो सोचा फटाफट से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो इतनी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता रहेगा मेरा जो GoPro Hero 8 है उसकी लेंस चेंज नहीं होती है, तो उसके लिए मैंने गार्ड्स मंगाए, लेंस गार्ड भी है इसमें और स्क्रीन गार्ड भी है। अभी फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, घर पे जाके लगाऊंगा, अभी के लिए ये सब रख दे रहा हूँ ऐसे ही। भाई लोग अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, होपफुली मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया रहेगा। एक्चुअली मैं इनमें ब्रेक लिया था क्योंकि पानी पीना था, डिहाइड्रेशन हुआ था, हम लोग एक जगह पे खड़े थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है ना तो वैसा ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। अरे हेलमेट लॉक कराया था रायला गाइस, चेन देखो कितना ज़्यादा ढीला है यार, मेरे को डर लग रहा है गाड़ी चलाने को, चेन फटे ढीली है माजी। मोस्ट प्रोबेबली गाइस ये मेरी आखिरी राइड रहेगी, इसके बाद मैं राइड नहीं करूँगा अपनी बाइक को, मैं नहीं चाहता इसको ज़्यादा डैमेज हो। अनटिल एंड अनलेस अभी मैं इसमें स्प्रॉकेट नहीं डाल रहा तब तक मैं इसको राइड नहीं करूँगा गाइस। अगर रस्ते में चेन चली भी गई ना तो भी कोई बात नहीं, गाड़ी को हम लोग कैसे वैसे लेके आ जाएंगे, अभी के लिए तो बस पूरे मज़े लेने। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस गाइस यार, क्या मजा आ रहा है भाई, एकदम अलग लेवल पे मजा आ रहा है।
अभी ना ऐसी जगह पे अगर राइड कर रहे हो ना गाइस, तो आप गाड़ी का पोटेंशियल पूरा चेक कर सकते हो, इतना प्यारा रोड है। पर अभी कैसे है ना गाइस, अपनी गाड़ी का चेन स्प्रॉकेट गया हुआ है, इसमें ज्यादा खींच नहीं रहा, जितना हो पा रहा है उतना ही कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता ओवर प्रेशर दो गाड़ी पे और चेन मेन गाड़ी का चला जाए करके। कड़क रश है, फुल एड्रेनलिन रश। अरे कड़क भाई, भाई लोग शाम के बज रहे 4:30 और अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। यहाँ से निकले, कुछ काम से आए थे, काम निपट गए, अभी रिटर्न से मजा आने वाला हाईवे पे राइड करने का। और एक्चुअली में स्पीड ज्यादा है ना, तो बात करके मतलब नहीं है गाइस, आपको पता है आवाज नहीं आएगा बात करूंगा तो थोड़ा मोड़ा रोड एंजॉय करो। हरामी लोग ऐसे गाइस, एक गुड न्यूज है, मैंने जो चेन स्प्रॉकेट मंगाया था वो भी आ रहा है, तो ऑन द वे है वो चेन स्प्रॉकेट भी, तो अभी मजा आएगा, चेन स्प्रॉकेट चेंज करेंगे अपनी गाड़ी का आपके लिए एक सर जाना एवडा रोड, आपके लिए एक सरप्राइज भी है, जल्दी चेन स्प्रॉकेट आ रहा है तो फिर आपको पता पड़ेगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा। 120-130 भगा रहे थे ना, तो हार का हाल देख लो क्या हो गया गाइस, बायोडिग्रेडेबल है। अभी स्टोरी खींची जा रही है इंस्टाग्राम के लिए, तो जल्दी जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। फक यार भाई, कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ है, शिट मैन, फक डब्बे एक्सीडेंट हुआ है। अभी देखो गाड़ी की लाइट्स है, जो पार्किंग लाइट्स है वो ऑन है, हजार्ड लाइट्स, बुरा एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं गाइस आजकल इतना एक्सीडेंट्स क्यों दिख रहे हैं यार। इश्क भाई उसको हेल्प मिल गई हो, जो अंदर बैठा था उसको, ड्राइवर को, और उनको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, ज़्यादा चोट वोट ना आई हो। पता है गाइस यार, जितना मतलब अच्छा रोड होता है ना, उतना ज़्यादा रोड डेंजर भी होता है। हमेशा जब गाइस आप रोड पे चलते हो ना यार, तो दूर तक देख के चला करो हमेशा, और मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि दूर नज़र है या पास नज़र है, पूरा फोकस रखना पड़ता है गाइस राइड करते समय रोड पर। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, कार पूरा चपट गया है आगे से और पीछे से भी फूटा है, अभी हुआ है। बस भाई अंदर वाले सेफ हो, बस बहुत बेकार ढोका है, वो गाड़ी को देख के लग भी नहीं रहा था कि उसके अंदर एयरबैग्स वगैरह है करके, थे करके, छोटा गाड़ी था, इतने अच्छे मूड से निकलते राइड वाइड करने और ये सब देख के मूड ऑफ हो जाता है। बस वी विश यार कि उसको सही टाइम पे हेल्प मिल गई हो और वो सही जगह पर हो अभी बंदा, अंदर जो भी थे सब सेफ हो। रोड पे चलते हैं ना हम लोग, तो ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। वैसे गाइस आप लोग भी अगर बाइक वाले नहीं हो, कार वाले हो, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि सीट बेल्ट पहना करो यार, बहुत ज़रूरी है, लाइफ एक ही है यार। अभी हमने कुछ खाने पीने के लिए ब्रेक लिया हुआ है, फटाफट से जाके कुछ खा पी के आ जाते हैं। सामने व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है, आपको अभी दिखा दो मोबाइल से रिकॉर्ड करके, और हमारा टेबल देखो कितना सजा हुआ है। बाकी आज मज़ा बहुत आया राइड करने के लिए, रोड काफ़ी प्यारा था, लीन करने बहुत ज़्यादा मज़ा आया, भगाने बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट एट द एंड फिर वो एक्सीडेंट देख लिया। वी जस्ट होप कि वो थोड़ा सेफ रहे बंदा, सही जगह पे पहुंच गया रहे हॉस्पिटल वगैरह में, राइड सेफ गाइस और ड्राइव भी सेफ। ये देखो हमारा फोटोग्राफर, भाई लोग अपना ब्रेक लेके हो चुका है, खा पी के हो गया है मस्त से, अभी यहाँ से निकलते हैं। खा पी के चार्ज हो गए ये लोग, फुल जोश दिखा रहे हैं अभी, देखो साइकिल चला रहे भाई, मस्त सनसेट वाली राइड हो रही है गाइस, इतना प्यारा व्यू है मस्त से। लगता है गाइस मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपको इसके वजह से सही से दिख रहा नहीं होगा, अगर इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं तो गाइस कमेंट करके बता देना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, अपना स्टॉक है वो लगा दूंगा इसको। चल लुक्स इसमें काफी अच्छे आते हैं, लेकिन यार आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सनसेट देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, वाह
मजा लेना। पट्टे मजा आया भाई लोग, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइस आज हम लोग ने। तो बस भाई थोड़े फोटो वोटो ले रहे हैं। तो भाई लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर से कर लेना। मस्त से सनसेट हो रहा है सामने, यहाँ पर पीछे टोल नाका जहाँ से हमने मतलब ऑफिशियली राइड स्टार्ट करी थी। स्टार्ट तो हमने वीडियो बहुत पहले कर लिया था, बट यहाँ से जो मज़ा स्टार्ट हुआ था जाने का, अब यहाँ पर रिटर्न आ चुके हैं। इसके बाद हमें ट्रैफिक वगैरह मिलने वाला है, इसलिए हम लोग वीडियो क्लोज कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर, और क्या होता है, और हेलमेट जरूर से पहनना भाई लोग, हमको बहुत एक्सपीरियंस मिला है। बाय बाय। बस अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। मज़ा आया आज राइड करके, बहुत मूड एकदम फ्रेश हो गया। बस अमो को मिस किया आज यहाँ पर, अमो रहती तो और भी मज़ा आता, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो गाइस बाय बाय।